सो गोल्ड स्टैंड पीरियड हम लोगों ने डिस्कस किया फ्रॉम टिल uh, 1914 सो दैट वाज इंटर वॉर एक्सपीरियंस यहाँ पे uh, ये यह हुआ कि 1914 के बाद आपके पास वॉर पीरियड स्टार्ट होता है और जहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएट करता है एंड देन जो बेसिक कोर जो प्रॉपर्टीज़ uh, थी जो हम लोग डिस्कस करके आए पीछे मॉनेटरी uh, सिस्टम की वो कहीं ना कहीं पे इशू क्रिएट कर रही थी तो इन दैट केस जो है वो आपके पास जो प्योर गोल्ड सिस्टम जो था वो आ, वैनिश हो गया और उस वक्त जो आ, आपके पास ख़ास तौर पे ब्रिटेन के अंदर जो एक जो वॉर रिलेटेड इफेक्ट्स थे वर्ल्ड वॉर वन के वो बड़े काफ़ी ज़्यादा उसके आफ्टर शॉक्स आए फ्रॉम पर्टिकुलरली फ्रॉम 1919 टू 1924 और उसके अंदर यूके uh, ने अटम्प्ट की जहाँ पे वो वापस जाना चाहते थे रिटर्न टू गोल्ड स्टैंडर्ड लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका और बाकी कंट्रीज भी uh, जो उस वक्त लीडिंग कंट्रीज थी जिनमें फ्रांस था जर्मनी था जो आज यूरोपियन यूनियन का मेंबर है वो 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 भी वापस गोल्ड स्टैंडर्ड पे ना जा सके और जो एक टाइम पीरियड उस वक्त जो था 1925 के अंदर ख़ास तौर पे उससे पहले तक बिटवीन 1919 टू 1924 एक एम्बागो पीरियड रखा गया था आपके पास गोल्ड की सेल के ऊपर या कन्वर्टिबिलिटी का इशू जो था उसको हॉल्ट कर दिया गया था फॉर द टाइम बीइंग कि आप कन्वर्ट नहीं करवा सकते गोल्ड एंड पाउंड के साथ तो यहाँ पे एक एम्बागो पीरियड जो था वो एट दैट टाइम जो यूके के अंदर ख़ास तौर परचेज से रिलेटेड जो था और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो था वो उठा लिया गया था और नए सिस्टम वॉज मोर इन नेचर ऑफ गोल्ड एक्सचेंज फिर बोथ गोल्ड एंड करेंसी व एक्सचेंजल विद द गोल्ड कन्वर्टेबल इन टू द गोल्ड तो यहाँ पे जो नया सिस्टम थोड़ा सा आ, आ रहा था फ्राम गोल्ड टू ऑनवर्ड वो यहाँ पर करेंसीज़ के रोल भी आ रहे थे जो उस वक्त स्ट्रॉग करेंसीज थी वो पाउंड था और जिसको हम कह रहे थे इंटरनेशनल करेंसी है एट दैट टाइम तो वो इनप्लेस थी और जो उस वक्त यूके को सबसे बड़ा मसला आ रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर वो ये था कि उसके गोल्ड के रिजर्व्स बहुत हद तक कम हो गए थे इसी वजह से उन्होंने एक एम्बागो पीरियड भी रखा और उसके अंदर ये भी हुआ कि गोल्ड की मूवमेंट को लिमिट किया जा सके तो उस वक्त कहीं पे यह भी फीलिंग थी कि कहीं पे ऐसा ना हो कि आपका जो कंपेटिबिलिटी जो थी वो कंपेटिटिवनेस जो थी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिलेटेड टू करेंसी यूके की बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए और इनफैक्ट ऐसा ही हुआ था क्योंकि जो आपके पास ट्रेड जो थी वो मोस्टली हो रही थी गोल्ड की बजाय करेंसीज की फॉर्म के अंदर जर्मन मार्क उसके अंदर बड़ा प्रीडोमिनेंट था जो फ्रांस की करेंसी थी वो बड़ी काफ़ी हद तक पावरफुल हो चुकी थी येन की बात करें वो भी एक आ, जो है वो स्ट्रांग करेंसी बन के उभर रही थी तो वहाँ पे एक कंपेटिटिवनेस यूके ने लूज़ की थी और उसकी एक बड़ी वजह यही थी कि आपके पास गोल्ड की जो कन्वर्टेबिलिटी थी वो एसच नहीं हो सकी थी एंड देन फिर आ, फ्रांस ने पास uh, किया एक लॉ इन 1928 जो सेटल करना चाह रहे थे अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज इन गोल्ड रादर देन पाउंड तो ये एक बहुत बड़ा सपोज़ इशू बन रहा था एट दैट टाइम और यही एक अगर प्राइम रीज़न कहा जाए uh, इसकी गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के कलेप्स होने की तो वो आपके पास सेटल uh, जो मूवमेंट आई थी फ्रॉम फ्रांस के हम लोग गोल्ड के तहत ही अपनी जितनी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की ट्रांजैक्शंस हैं उनको सेटल करेंगे तो ये चीज़ यू के अफोर्ड नहीं कर सकता था वंस अगेन तो 1931 के अंदर वंस अगेन उन्होंने कन्वर्टेबिलिटी का जो आ, आपके पास आ, रूल या लॉ जिसे कहते हैं वो अप्लाई कर दिया जिसके तहत जो करेंसी थी वो गोल्ड की फॉर्म के अंदर कन्वर्टेबल ना रही इन 1931 तो so द वन ऑफ द रीज़न्स, ऑल दो बैलेंस ऑफ पेमेंट वॉज द इशू बट ये एक बड़ा रीज़न रहा यू के की तरफ से जो फ्रांस की तरफ से इनिशिएट हुआ यू के की इन टर्म जो रिप्लेस करने की या उसको रीपे करने की या उसको कन्वर्ट करने की एबिलिटी ने टू तो सम एक्सटेंड इस सिस्टम को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड को भी कोलेप्स करवा दिया